हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसको देख के आप होश उड़ जाएगा। आपको नहीं लगता होगा कोरोना वायरस के वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड कितना परेशान है। तो आप ये सोच सकते हो, इंडिया का शेयर मार्केट का टाइमिंग भी कम कर दिया गया, उसके साथ ही साथ सिंगापुर का शेयर मार्केट को लॉकडाउन कर दिया गया। ये कब से कब तक है, ये वीडियो हम लोग देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो मालूम करा देता हूँ। जैसे कि आज सैटरडे 4 अप्रैल, कल है संडे 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को भी छुट्टी है शेयर बाज़ार का, अपना इंडियन शेयर बाज़ार। क्यों छुट्टी है ना, उसी दिन है महावीर जयंती। ये 6 अप्रैल को भी अपना इंडियन शेयर मार्केट क्लोज रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग खोलेंगे कभी ना, मंगलवार 7 अप्रैल को हम लोग ओपन होंगे। 7 अप्रैल को जैसे ओपन होंगे तो आपको होश उड़ जाएगा। और एक ज़बरदस्त न्यूज़ आने वाला है, जो कि अभी तक आया नहीं, वो आने का वेरी वेरी पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या है, वो भी बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग का जो मेरा जो वीडियो को आप लोग का जो रिप्लाई आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरा वीडियो को आप लोग समर्थन करते हो, तो इसलिए मैं आप लोग के पास बहुत ही आभारी हूँ। और साथ ही साथ आप लोग को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग जो मेल डालते हो तो आप लोग बोलते हैं आपने मेरे को जीरादा ग्रुप में ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, ये एक मैं हमेशा तरह बोल रहा हूँ, अगर कोई लोग मेरे जीरोदा का मेरे तरफ से अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट, वही लोग को मैं मेरा सपोर्ट ग्रुप में ही डाल सकता हूँ। जैसे कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो जीरोदा का लिंक, वो लिंक पे अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते हो मेरे तरफ से, तो आपको ही मेरा सपोर्ट टीम में ऐड हो जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर कुछ क्यूरी होगा तो मेरे को आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते ये धमाकेदार न्यूज़ के ऊपर एक बार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर आप लोग को देखा गया सिंगापुर अनाउंस 1 मंथ लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी बात, जैसे कि आप लोग को शायद कैजुअली लेते होंगे आप लोग, तो इतना बड़ा लॉकडाउन के पीछे तो अपना देश का क्या होगा, अपना इंडिया का क्या होगा और अपना इंडियन शेयर मार्केट का क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सिंगापुर का ये प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है ली हुसैन लॉन्ग, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो डिक्लार 1 मंथ लॉकडाउन। अगर आप सोच सकते हो, सिंगापुर जैसे देश में अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो अपना इंडियन शेयर मार्केट का हाल कितना बड़ा बेहाल हो जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि ये कोरोना वायरस के वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड कांप रहा है और अमेरिका भी उससे बात नहीं गया है। अब सबसे ज़्यादा अमेरिका का पॉजिटिव आ रहा है कोरोना वायरस रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो, सिंगापुर अगर लॉकडाउन किया गया तो उसके बाद अपना इंडियन शेयर मार्केट का हाल क्या हो सकता है। तो इंडियन शेयर मार्केट का तो न्यूज़ आ ही गया है, जो जो न्यूज़ आया मैं आप लोग का सामने लेकर आ रहा हूँ, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक न्यूज़, जो कि RBI ने अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपना RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टेन फॉरेस्ट मनी मार्केट ट्रेडिंग आवर एमेंड कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो इसका मतलब क्या, हम लोग आगे चल के देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा ये न्यूज़ कल आया है, तो ये न्यूज़ आने के बाद आप देख सकते हो, ये जो लॉकडाउन का जो शॉर्ट टाइम कर दिया गया है, वो कौन से ना 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक, ये कौन सा मार्केट के लिए टाइमिंग चेंज हुआ है, वो भी हम लोग यही वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये वीडियो का एक पार्ट सर्कुलर आ गया है RBI की तरफ से, प्रेस रिलीज हुआ है, फॉरेन करेंसी इंडियन रुपीस ट्रेडिंग इंक्लूडिंग डेरिवेटिव। ये फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीस और इंक्लूडिंग डेरिवेटिव टाइम हो गया 10 to 2 PM, जो कि पहले था 9 AM से लेकर 5 PM तक, उसको 10 से 2 बजे तक टाइमिंग कर दिया गया है। रुपीस इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ये जो मार्केट का टाइमिंग पहले था 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, वो रहेगा खुला अभी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ओनली। उसके बाद का आ रहा है जो टाइमिंग, और कौन से के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट,
आप लोग तो इसमें काम नहीं करते वो सब, फिर भी आपका नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। टाइमिंग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का टाइमिंग पहले था सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, वो हो गया अभी सुबह 10 से लेकर पीएम 2 PM मतलब 2 बजकर 2 बजे तक ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई पार्टी रेपो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो है मार्केट इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक था, वो उसको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अभी कर दिया गया है। कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, ये टाइमिंग जो पहले सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता था, उसका टाइमिंग में भी इसे 10 बज के 10 सुबह 10 से लेकर 2 बजे का टाइमिंग कर दिया गया है। और है रेपो इन कॉरपोरेट बॉन्ड, इसका जो टाइमिंग था सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक, वो हो गया अभी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। कॉल मनी मार्केट भी टाइमिंग चेंज हो गया है, उसका जो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता था, वो हो गया है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मार्केट रेपो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट टाइमिंग जो था सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट तक था, उसका भी टाइमिंग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का कर दिया गया है। तो इसका मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग अगर चाहते हो तो ये भी अगर एक स्क्रीनशॉट मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूँगा, आप जाके उसमें देख सकते हो। तो आप बोलेंगे इसमें हमारा क्या हो गया, अगर आप ये सोचते होगे तो मैं बोलूँगा आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, जो कि RBI का ये जो बाकी मार्केट के लिए जो टाइमिंग कम कर दिया गया है, मेरे को लगता है आज ये सैटरडे, कल संडे और मंडे भी अपना वो हॉलीडे है, तो मंडे तक अपना इक्विटी मार्केट का टाइमिंग भी चेंज होने का चांसेस नहीं 100% होगा फ्रेंड्स, वो भी हो जाएगा सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग होने का चांसेस है, जो कि मीडिया सूत्र से प्रकाश है। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, अगर आप लोग का जो भी प्लानिंग है 3:30 तक का जो प्लानिंग करके आप काम करते थे, अभी वो 2 बजे से ख़त्म हो सकता है, जो कि सुबह 10 बजे ओपन होगा और 2 बजे ख़त्म होगा। आपको मिलेगा सिर्फ 10 से 2 बजे का जो 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा, उतना ही टाइम में आपको ट्रेडिंग करना है और आपका ट्रेडिंग को भी काट के बाहर निकलना है, नहीं तो आप फंस सकते हो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोग को अलर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग मेरा न्यूज़ को फॉलो करेंगे और हम लोग देखेंगे इक्विटी मार्केट का टाइमिंग क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से आज कल परसों 3 दिन मार्केट तो अप है, तो इसका अंदर से RBI भी शायद ये रूल लेके आएंगे इक्विटी मार्केट के लिए भी। तो फ्रेंड्स ये मत सोच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ये न्यूज़ आएगा मार्केट में मैं आप लोग को सबसे पहले लेकर आऊँगा और अपनी अंदाज से। तो ये सोच सकते हो फ्रेंड्स जो सिंगापुर लॉकडाउन पूरा हो गया है 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, जो 1 महीने का जो लॉकडाउन हो गया अपना इंडियन इकोनॉमी का पर कितना बड़ा प्रभाव आएगा, आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो क्या करना है आप लोग को वो लेकर, क्योंकि आप आगे चल के जैसे फंस ना जाओ, जैसे कि अपना बैंकिंग सिस्टम तो पूरा जा रहे नीचे नीचे, अभी ये जो लॉकडाउन का आ गया है सिंगापुर का, इसके बाद अपना इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग कम कर दिया गया, इसको देखकर आपको ये सोचना चाहिए जे आपका जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है जो शेयर उसका हालत क्या होगा आगे। तो देखिए ये जो आया है अभी ये जो लेटेस्ट ये 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक का ये टाइमिंग किया गया, बाकी जो मार्केट का अभी का आगे चल के ये भी आगे आपको बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट मीन्स RBI बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड ये था मेरे तरफ से अपडेट, आशा करता हूँ मेरा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आप लोग को ईच एंड एवरी मार्केट का हाल आपका सामने रखूँगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।